राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में सागर रेंज के आईजी और कमिश्नर दमोह पहुंचे। कमिश्नर वीरेंद्र रावत और आईजी प्रमोद वर्मा ने जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। वहीं घटना स्थल का जायजा भी लिया। कमिश्नर वीरेंद्र रावत के मुताबिक घटना की मजिस्ट्रियल जाँच कराई जा रही है और सरकार के RBC 64 के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को सहायता मुहैया कराई जाएगी। आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित थी और इस बात को भी संज्ञान में लिया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, प्राइमरी इंक्वायरी तो अभी चल रही है और जहाँ तक घायलों का और इनका प्रश्न है तो इस संबंध में हमने जो मेडिकल टीम को भी यहाँ पर बुलाया है, सागर मेडिकल टीम को, और जिनको रेफ़र करना था डॉक्टर साहब ने इन लोगों ने सब 4 लोगों को रेफ़र कर दिया है। और दूसरी मतलब इसमें जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की हम कलेक्टर साहब अभी जांच के निर्देश दे रहे हैं और SDM की अध्यक्षता में जो है वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी 15 दिन में। तीसरा जो है इनका हमको इनकी जो मदद करना है तो RB 64 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत जो है इनकी पूरी मदद करेंगे और किसी प्रकार से उनको इलाज में किसी प्रकार की लाल पर नहीं रखेंगे। सर, कितने दिन का जांच का समय दिया गया? कितने दिन? 15 दिन का दिया समय दिया इनको, 15 दिन में हो जाएगी। सर, और जो कार्रवाइयाँ देखते हैं ऐसे मामलों में कि घर को गिराया जाएगा, परिवार को बंद किया जाएगा, ऐसा कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसी अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो होगा। सर, इस मामले की शिकायत लगातार की गई लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा कि वहाँ पे अवैध भंडारण है इसका, बारूद का, और ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, तो मामले में अभी तक जो अब वो बिंदु रखेंगे उसमें, जांच में रखेंगे, यदि होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। दमोह में आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक इस पटाखे की यूनिट में आग लगने के कारण अभी तक 3 व्यक्ति इस अस्पताल में ब्रॉड डेड लाए गए थे। उसके अलावा 13 और अन्य घायल हैं, जिनमें से 4 मरीज़ों को फर्दर इलाज के लिए जबलपुर रेफ़र किया गया है। अभी जबलपुर में उनके इलाज के लिए कमिश्नर साहब ने वहाँ जबलपुर कमिश्नर साहब से चर्चा की है और उनको अच्छे से अच्छा इलाज अवेलेबल करवाया जाएगा। मेरी भी IG जबलपुर से चर्चा हुई और हमने उनके
एम्बुलेंस के डिटेल्स और ड्राइवर के डिटेल्स जबलपुर पुलिस से शेयर किए हैं, जिससे कि उनको तत्काल एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर जो शेष इलाजरत मरीज हैं उनका उनके लिए भी कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने पूरी व्यवस्था की है और चिंता व्यक्त की है, उसका पूरा इलाज यहाँ करवाया जा रहा है। उसके अलावा जो पुलिस की ओर से इसमें एक आगजनी की रिपोर्ट अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट अभी तक इसमें दर्ज की गई है और इसमें फर्दर जांच के बाद में मौके पर अभी BDS टीम मौके पर है और FSL टीम मौके पर है। अवेलेबल साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें प्रथम दृष्टया 304 IPC का केस तो पंजीबद्ध होगा ही, वो फर्दर जाँच का वो विषय है। इनका ये भी जानकारी में आया है कि इनके पास में एक एक्सप्लोजिव्स का लाइसेंस था और उस लाइसेंस के संबंध में भी आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं, घायलों के जो परिवार हैं और मृतक परिवार के संबंध में कमिश्नर साहब आपको और जानकारी देंगे। सर, प्राइमरी इंक्वायरी में पुलिस की क्या अभी, इट इज़ टू अर्ली टू, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। जैसा अभी घायलों से भी हम सही तरीके से बात नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी सभी सदमे में हैं, लेकिन जल्दी ही अभी BDS टीम मौके पर है और FSL भी मौके पर है, जल्दी ही ये पता पड़ जाएगा कि ये विस्फोट या आग किस कारण से लगी और क्या घटनाक्रम डेवलप हुआ था।